हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लोकल स्कूल। जैसा कि आप जानते हैं, हमने वोकैबुलरी की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। सो ये उसी सीरीज़ का कंटिन्यू पार्ट है। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे भी देख लें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज वीडियो। जो आज का पहला वर्ड है वो क्या है? इनफेलिएबल। इनफेलिएबल क्या मीनिंग होता है इसका? इसके तीन सिनोनिम है और एक इसका एंटोनियम है। आपके पास 5 सेकंड है, आपने बताना है कौन से तीन वर्ड इसके सिमिलर हैं और कौन सा एक वर्ड इसका एंटोनीम है, इसका विपरीत शब्द है। आपका गैस वर्क ईजी रहे इसीलिए हमने ये एग्जांपल दी है। इसे पढ़े और फिर गैस करने की कोशिश करें भी कौन से तीन वर्ड इनफेलिबल के सिमिलर हैं और कौन सा इसका एंटोनीम है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो क्या गैस किया आपने? देखिए इस एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। इवन द एक्सपर्ट आर नॉट इनफेलिएबल, यानी जो एक्सपर्ट होते हैं वो भी इनफेलिएबल नहीं होते। इसका मतलब क्या है? जो एक्सपर्ट होते हैं उनमें भी कोई ना कोई कमी होती है, वो इनफेलिएबल नहीं होते। इनफेलिएबल मीनिंग क्या होता है? परफेक्ट होना, अनएररिंग एंड फ्लॉलेस। ये तीनों क्या है? इसके सिमिलर वर्ड है, अनएररिंग, परफेक्ट एंड फ्लॉलेस। ओनली वन थर्ड ऑप्शन है जो एररिंग, जो इसका एंटोनियम था, इसका विपरीत शब्द था। इनफेलिएबल होता है एक परफेक्ट व्यक्ति जो कोई गलती ना करे। लेकिन क्या एग्जांपल क्या कह रही है कि जो एक्सपर्ट होते हैं ना, वो भी कोई ना कोई गलती करते हैं, वो भी इनफेलिएबल होते हैं, इनफेलिएबल नहीं होते। सो आपको इनफेलिएबल का मीनिंग समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड। देखिए जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है? इरिवोकेबल। वही सेम चीज़ें, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 इसके सिमिलर वर्ड है और एक इसका एंटोनियम है। चलिए 5 सेकंड है, गैस करें क्या कौन से तीन वर्ड इसके सिमिलर है और कौन सा एक इसका एंटोनियम है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो क्या गैस किया? इस एग्जांपल को पढ़ते हैं पहले। हर डिसीजन वाज इमीडिएट एंड इरिवोकेबल। जो इसका डिसीजन है वो इमीडिएट एंड इरिवोकेबल है। सो देखिए इरिवोकेबल का क्या मीनिंग है? इरिवोकेबल मतलब होता है दैट विच कैन नॉट बी चेंज, जिसे चेंज नहीं किया जा सके। तो उस तीन सिमिलर वर्ड कौन से हैं? फाइनल उसी कहेंगे ना जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। अनचेंजेबल भी वही होता है और एक होता है इम्यूटेबल। ये तीनों वर्ड क्या थे? इसके सिमिलर थे। म्यूटेबल, जिसे चेंज किया जा सकते, वो होता है म्यूटेबल। सो ये इसका विपरीत वर्ड था। आई होप आपको इरिवोकेबल मीन्स समझ आ गया होगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड, इन्फ्रैक्शन। इन्फ्रैक्शन क्या होता है? टेक योर 5 सेकंड एंड टेल मी व्हाट इज विच 3 वर्ड इज सिमिलर टू इन्फ्रैक्शन एंड विच वन इज अपोजिट ऑफ इट। हाँ जी फ्रेंड्स, देख रहे हैं, एग्जांपल पढ़ते हैं पहले। ही वाज क्रिटिसाइज, उसे क्रिटिसाइज किया गया, उसकी आलोचना की गई, उसे निंदा गया फॉर हिज इन्फ्रैक्शन, उसकी इन्फ्रैक्शन के लिए। फॉर द डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन में उसने इन्फ्रैक्शन किया था। देखिए फ्रेंड्स, इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है उल्लंघन करना, किसी रूल को तोड़ना, उसकी उल्लंघन करना। यानी उसने डिसिप्लिन को तोड़ा, इसीलिए उसे उसकी निंदा की गई, उसे आलोचा गया। सो कौन से 3 वर्ड हैं जो इसके सिमिलर है? वो है वायोलेशन, इन्फ्रिंजमेंट एंड ब्रीच। ये तीनों वर्ड क्या थे? इन्फ्रैक्शन के सिमिलर थे। और कंप्लियंस इसका विपरीत वर्ड है। आई होप आपको इन्फ्रैक्शन क्लियर होगा। इन्फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ लॉ और रूल, उसे तोड़ना लॉ और रूल को। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इंट्रीपिड। इंट्रीपिड क्या होता है? लीजिए अपने 5 सेकंड और करें गैस कौन से 3 वर्ड इंट्रीपिड के सिमिलर है और कौन सा एक इसका विपरीत है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो क्या गैस किया आपने? देखिए इस एग्जांपल को पढ़ते हैं। ही इज नॉट रियली सेटिस्फाइड, कहते हैं भी वो बहुत सेटिस्फाई नहीं है विद हिज इंट्रीपिड एक्शन, अपने जो उसने इंट्रीपिड एक्शन किया उसके लिए। वैसे वो सेटिस्फाई नहीं है अपने इंट्रीपिड एक्शन के। इंट्रीपिड होता है फियरलेस, नॉट अफेयर्ड ऑफ डेंजर और डिफिकल्टीज, जिसे डर ना लगे, फियरलेस हो। सो कौन से 3 वर्ड इसके सिमिलर है? फियरलेस, ब्रेव एंड अनडॉन्टेड। ये तीनों वर्ड इसके सिमिलर थे। टीमिड होता है डरपोक। सो ये इसका विपरीत वर्ड था, टीमिड। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड, इंडिफेटिगेबल। इंडिफेटिगेबल क्या होता है? देखिए करें गैस 5 सेकंड आपके पास। विच 3 वर्ड आर सिमिलर टू इंडिफेटिगेबल एंड विच वन इज एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। हाँ जी फ्रेंड्स, देखें इस एग्जांपल को पढ़ते हैं। हिज
इंडिफेटिगेबल स्पिरिट हेल्प हिम हेल्पड हिम, उसकी जो ये इंडिफेटिगेबल स्पिरिट है उसने हेल्प की टू कोप विद हिज इलनेस, अपनी बीमारी से लड़ने को, कोप होता है लड़ना, अपनी बीमारी से लड़ने के लिए उसने क्या इंडिफेटिगेबल स्पिरिट ने हेल्प की। सो इंडिफेटिगेबल का क्या मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है नॉट स्टॉपिंग डूइंग एनी कंडीशन, मतलब किसी भी कंडीशन में रुकना ना, उसे कहते हैं इंडिफेटिगेबल। सो इसके कौन से तीन वर्ड हैं जो इसके सिमिलर हैं, देखिए अनटायरिंग अनथक जो थकता नहीं है वो, अनफ्लैगरिंग ये भी सिमिलर वर्ड है, और अनबेरिंग, ये तीनों वर्ड इसके सिमिलर है इंडिफेटिगेबल। इंडोलेंट होता है आलसी सुस्त व्यक्ति जो इजीली थक जाए। सो कौन जी इसका विपरीत वर्ड था, इंडोलेंट इंडिफेटिगेबल का विपरीत था। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड क्या है, इनफाइनाइटेस्टिमल। देखिए 5 सेकंड है आपके पास, करें गैस कि इसका क्या मीनिंग है, इसके कौन से तीन वर्ड इस वर्ड के सिमिलर है, कौन सा एक इसके विपरीत है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो क्या गैस किया, एग्जांपल को पढ़ते हैं पहले। इवन एन इनफाइनाइसिमल चेंज है इन टेम्परेचर विल बी रिकॉर्डेड बाय द इक्विपमेंट, इक्विपमेंट है उसके साथ इनफाइनाइसिमल चेंज को भी मेजर किया जा सकता है, रिकॉर्ड किया जा सकता था। So, क्या है इनफाइनाइस का मीनिंग क्या होता है, इनफाइनाइसिमल इसका मीनिंग होता है बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, टीनी एंड मिनिस्यूल, ये तीनों वर्ड क्या थे इसके सिमिलर थे। कोलोसल, ये कोलोसल क्या था, इसका विपरीत है, कोलोसल का मीनिंग होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत विशाल, उसे कहते हैं कोलोसल। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड, इनसक्रक्टेबल। इनसक्रक्टेबल क्या मीनिंग होता है, टेक योर 5 सेकंड एंड टेल मी विच 3 वर्ड इज सिमिलर टू दिस वर्ड एंड विच वन इज द एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। हाँ जी फ्रेंड्स, देखिए इस एग्जांपल को पढ़ते हैं। देर इज समथिंग इनसक्रप्टेबल, यहाँ पर कुछ इनसक्रप्टेबल है अबाउट द ड्रैगन, जो ड्रैगन की बात होती है वो उसके लिए कह रहे हैं। समथिंग दैट कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, जिसे समझा ना जा सके, एक्चुअली इनसक्रप्टेबल का मीनिंग ही होता है जिसे समझा ना जा सके, जो समझने में डिफिकल्ट हो, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो देखिए कौन से तीन वर्ड इसके सिमिलर हैं, फर्स्ट वर्ड है मिस्टीरियस, सेकेंड है एब्स्ट्रूस, एंड जो थर्ड है वो है इनएक्सप्लिकेबल। ये तीनों वर्ड क्या हैं, इसके सिमिलर है, ऑब्वियस होता है स्पष्ट, इजीली अंडरस्टैंडेबल, उसे कहते हैं ऑब्वियस। सो ये वर्ड इसके विपरीत था। सो दिस इज बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।